हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं धमाकेदार लिस्टिंग वाली, जिनको अलॉटमेंट हुआ था उनको लॉटरी लगाने वाली कंपनी लेटेंट व्यू के ऊपर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी की अगर हम लोग बातें करें तो इसने लिस्टिंग में ही अपने शेयर होल्डर्स को लॉटरी यहाँ पे दिया था। अच्छा खासा यहाँ पे लिस्टिंग हुआ था, करीब 169% के आसपास इसकी लिस्टिंग हम लोगों को देखने को मिली थी, जो कि हम बोल सकते हैं कि जिनके पास भी अलॉटमेंट थी, इसके अलॉटमेंट्स हुए थे, उनको बम्पर प्रॉफिट उसी टाइम हुआ था। एंड जिन लोगों ने इस कंपनी को अभी तक होल्ड किया है, अगर हम लोग बातें करें तो ये कंपनी 23 तारीख को मार्केट में लिस्ट हुई है। एंड आज की बातें करें तो 25 तारीख हम लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो दो दिन में भी अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो इस कंपनी में आप लोगों को करीब करीब 40% की यहाँ पे रैली देखने को मिल चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड मैंने जो जो इस कंपनी में यहाँ पे बोला था लिस्टिंग से लेकर के अभी तक की बातें करें, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे सच भी हुई है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो मेरा कल कभी भी वीडियो देखिएगा, मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि यह कंपनी 700 तक पहुँचेगी। देखिए, 700 के ऊपर ही पहुँच गई है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिस्टिंग वाली भी का लिस्टिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड भी अगर आप चाहें तो वो भी वीडियो उठा कर देखिएगा। उसमें भी जैसे जैसे मैंने लिस्टिंग से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें बताई थी, वैसे ही यहाँ पे हुआ है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी तक जो भी मैंने चीज़ें यहाँ पे इसमें बोली है वो सभी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। जैसा कि मैंने बोला कि ये कंपनी 23 तारीख से मार्केट में देखने को मिल रही है, तो आप यहाँ पे देखिए एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे 37% यहाँ पे ओवरऑल दिखा रहा है, यहाँ पे आप लोगों को रिटर्न्स मिल चुका है। अभी जो आप लोगों के सवाल है दोस्तों कि क्या हम लोगों को अभी इस लेवल पे इस कंपनी को यहाँ पे बाय करना चाहिए, देन दूसरा जो सवाल है, ये जो कंपनी 700 पे अभी देखने को मिल रही है वो क्या 1000 तक यहाँ पे जा सकती है या नहीं। तो दोस्तों, बिल्कुल ये कंपनी वहाँ तक जा सकती है, ठीक है। अगर आप लोग 1000 तक यहाँ पे बातें कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे अभी मुझे जो लग रहा है वो ये है कि ये कंपनी 1000 तक जाएगी तो ज़रूर, लेकिन अभी इसमें इसको टाइम लगने वाला है मेरे हिसाब से, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए, मैं गलत भी जा सकता हूँ, मैं सही भी जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सीखता ज़रूर हूँ, जैसा कि मैं हमेशा चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे हिसाब से मुझको जो यहाँ पे लग रहा है कि यह कंपनी अभी हम कह सकते हैं कि इसमें जो रैलियाँ हम लोगों को 20% में देखने को मिल रही थी वो शायद से अब थोड़ी सी कम उसमें देखने को मिल सकती है, कि या फिर थोड़ी सी सेलिंग भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का कारण ऐसा मेरे बोलने का कारण भी है दोस्तों, यहाँ पे आज का मैं आप लोगों को चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो आप देखिए, ये कंपनी जैसे कि कल आपने देखा था कि सीधा यहाँ पे करीब 10:15 पे इस कंपनी में हम लोगों को अपर सर्किट देखने को मिली थी, लेकिन आज यहाँ पे देखिए काफ़ी हम बोल सकते हैं कि ओपनिंग तो प्रीवियस क्लोज के ऊपर ही हुआ था, लेकिन उसी के बाद आप देखिए एक बार ऊपर गई, फिर यहाँ पे ये नीचे की ओर आई, फिर उसके बाद यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हैं कि ऊपर गई थी, फिर नीचे की ओर आई, फिर ऊपर की ओर गई, फिर एक कंसल्टेशन फेस में हम लोगों को देखने को मिला, फिर डाउन हुआ, फिर उसके बाद एक धीमे धीमे ऊपर गई, उसके बाद डायरेक्ट अपर सर्किट देखने को मिला है। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद से अभी इसको 1000 पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के पास अगर यहाँ पे इसके शेयर से, तो अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहते हैं तो आराम से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। पूरे शेयर्स को मत सेल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ शेयर्स रखे रहिए, अभी और भी ये प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। तो देखा जाए तो जो आपके सवाल थे कि 1000 तक जाएगी या नहीं, तो ज़रूर जाएगी दोस्तों, थोड़ा सा बस इंतज़ार यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ेगा। देन फ्रेश बाय वालों के लिए मैं फिर से यही कहूँगा कि फ्रेश बाय आप लोग इस कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो आराम से इस कंपनी को यहाँ पे फ्रेश बाय अभी भी कर सकते हैं, कल के दिन में भी चाहें तो आप लोग करके चल सकते हैं। सो इस कंपनी से रिलेटेड जो चीज़ें मुझे बतानी थी सभी मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।